अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? आज हम विज़िट करेंगे अलज़हरा मरीना का, जो कि अजमान में है। तो उसका नाम है अलज़हरा मरीना 1 अजमान। जैसे आप लोगों को नज़र भी आ रहा है, ये एक कॉर्निश एरिया है और बहुत ही खूबसूरत है। हम लोग यहाँ के लिए निकले थे, शाम का टाइम था, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा था। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, सनसेट का व्यू भी बहुत प्यारा लग रहा था। और हम पहुँच चुके थे अलज़हरा मरीना 1। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को व्लॉग में ही दिखाऊंगी, बट यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को इंशाल्लाह ताला यहाँ पे। और मेरी हफ्जा बड़ी एक्साइटेड हुई भी थी यहाँ आने के लिए, क्यों वो आप लोग देखेंगे अभी। सो लेट्स सी, तो हम लोग चलते हैं और आप लोग इन्जॉय कीजिए हमारे साथ और कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि आखिर तक बहुत मज़ा आने वाला है। हम आ गए हैं यहाँ एंट्री में। यहाँ की एंट्री फीस कोई नहीं है, ये एक ओपन एरिया है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड पे जो है वो बच्चों की कार रेसिंग का बना है, आप यहाँ बच्चों को कार रेसिंग करवा सकते हैं। और आप लोगों के बैठने की भी यहाँ पे जगह है, आप बेंचेस देख सकते हैं, यहाँ पे बेंचेस भी लगी हैं कि आप इजीली बच्चों के साथ यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। और राइट साइड पे जो है वो बच्चों का एक प्लेग्राउंड इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ साइकिलिंग ट्रैक भी है और यहाँ पे एक ट्रेन भी है जो टूर करवाती है पूरे मरीना का, और बहुत अच्छा व्यू लगता है। लेकिन उसमें हम नहीं बैठे, इंशाल्लाह वो किसी और ब्लॉग में जब बैठेंगे तो आपको ज़रूर उसका विज़िट करवाएंगे। और हम आ चुके हैं यहाँ बच्चों के प्ले एरिए की तरफ। यहाँ पर दो तीन तरह के जो है वो बम्पर बाउंसीज लगे हुए हैं, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पर। यहाँ झूले भी हैं और यहाँ बच्चों की बोटिंग का भी है। और हफ्सा जो है वो मेरी यहाँ पर इसकी काउंटिंग कर रही थी और बहुत एक्साइटेड हुई भी थी, इसने काउंटिंग करके बहुत खुश हो रही थी। ये एक छोटा सा बच्चों का प्ले एरिया बनाया हुआ है, बेसिकली ये पूरा कॉर्निश एरिया है, तीनों चारों साइड इसके जो है वो पानी है और सेंटर में ये बना है। और आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये कैफेटेरियाज़ भी हैं, यहाँ पे आप बैठ के टी कॉफ़ी स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। और थोड़ा सा आगे जाके अब जो बहुत ज़बरदस्त इसका हिस्सा है वो कॉर्निश का है। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, बहुत खूबसूरत मौसम था और हम लोगों ने इसको बहुत इंजॉय किया। लेफ़्ट साइड पर आप लोगों को ये जो है यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी नज़र आ रहा होगा, जो कि अभी रिसेंटली ही बना था, क्योंकि पहले जब मैंने विज़िट किया था वो यहाँ उस टाइम पे ये नहीं बना हुआ था, बट अब इन लोगों ने काफ़ी अच्छा इसको जो है वो डेवलप कर दिया। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ बोटिंग करने। ये वाली जो बोट आपको नज़र आ रही है, हम इसमें बैठेंगे और मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊँगी भी यहाँ का। आप देख रहे हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर टिकट के लिए, और ये रास्ता है। बट हम लोग अभी तो आपको ये दिन का व्यू नज़र आ रहा है, लेकिन हम बैठे थे मगरिब के बाद, क्योंकि उससे पहले ऑलरेडी ये बुक हो चुकी थी। 10 to 15 मिनट्स की इसकी राइड है और इसका जो टिकट है बड़ों का जो है वो 10 दिरहम है और बच्चों का जो है वो 5 दिरहम है। वैसे हमारा इरादा था कि हम लोग दिन का व्यू देखें, बट थोड़ा सा हम लेट हो गए, एक फैमिली ने ऑलरेडी इसको बुक करवा लिया था फुल। तो आप लोग अगर यहाँ का विज़िट करें तो आप इसको फुल बुक भी करवा सकते हैं इस बोट को, और आप वैसे भी सिंगल भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं। रात का व्यू भी इसमें बहुत अच्छा लग रहा था, अंधेरा था लेकिन जो उस पर लाइटिंग आ रही थी, और आप देख सकते हैं कि लाइटिंग का व्यू बहुत ही खूबसूरत था। अब हमारी बोट जो है वो चलना स्टार्ट हो गई थी और इन्जॉय का लेवल हाई होता जा रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और हफ्सा तो इतनी ज़्यादा कोई एक्साइटेड हुई हुई थी, मतलब प्ले ग्राउंड से ज़्यादा उसको बोट पे बैठने का हो रहा था कि मुझे बोटिंग करनी है। तो आप लोग इसको एंजॉय कीजिए, और इसमें जो पानी पे जो आप लोगों को अभी कलर्स नज़र आएंगे लाइटिंग के, वो बहुत बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। जैसे कि ये अभी आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है, बट जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, आगे जो बिल्डिंग्स हैं साइड्स में, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं,
उसकी लाइटिंग का मज़ा बहुत ही ज़बरदस्त है पानी पे जब वो पड़ती है। तो चलें इसको थोड़ा सा इंजॉय करें और फिर इंशाल्लाह जो है वो हम आगे गपशप करेंगे। जी फ्रेंड्स, आपने इंजॉय किया होगा आई होप, और कर भी रहे हैं साथ साथ, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। और आप ये देखें लाइटिंग का जो मैं आपको बता रही थी कितनी खूबसूरत लग रही है, अभी ये तो थोड़ी सी लाइटिंग है। अब हम जो है वो वापसी की तरफ जाने लगे हैं और ये सामने आपको एक और बोट नज़र आ रही है। ये एक छोटी बोट है और ये प्राइवेट बोट है, आप इसको भी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ आके, बट अभी आप हमारे साथ इंजॉय कीजिए, फिर जब आप खुद आएंगे तो आप इसमें इंजॉय कर लीजिएगा। और अभी आप देख रहे हैं पानी जो है वो कटना स्टार्ट हो गया, वो क्यों, क्योंकि हमारी बोट जो है वो अब घूमने लगी है। तो आप इसको देख सकते हैं पानी को, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये, शायद अभी आपको वीडियो में इतना अच्छा व्यू ना लग रहा हो, बट जब आप खुद आके देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और आई होप और आई एम श्योर आप लोग बहुत इसको इंजॉय करेंगे। तो बस अभी हमारा जो है वो वापसी का टाइम हो गया था और हम अब इसके स्टॉप तक जाने लगे थे दोबारा से। अब आप देख रहे हैं साइड्स में ये जो बिल्डिंग्स बनी हैं उसकी लाइटिंग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नज़र आना शुरू हो गई थी। इट्स मीन कि हम जो है वो पहुंचने वाले थे अपनी जगह पे। जी फ्रेंड्स, तो मैं देखें इस लाइटिंग की बात कर रही थी, ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, और ये उसी रेस्टोरेंट की लाइटिंग है जो मैंने आपको बोट में बैठने से पहले दिखाई थी। और आप देख सकते हैं कि पानी पे लाइटिंग पड़ने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही है, और ये जो गोल्डन लाइटिंग्स और ये नज़र आ रही हैं ये थोड़ा सा आगे जाके जो वहाँ पर रेस्टोरेंट कैफ़ेज़ बने हुए हैं उसकी लाइटिंग है। बट आप इसको देखिए और इसके कलर्स को इंजॉय कीजिए कि सुभान अल्लाह कितने प्यारे कलर्स लग रहे हैं पानी पे, और वो भी रात का टाइम, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। तो अब हम ऑलमोस्ट, बल्कि हम पहुंच ही गए हैं। तो जनाब, हमारी राइड कंप्लीट हो चुकी थी, अब हम उतरने की तैयारी कर रहे थे और बल्कि वापसी की भी, क्योंकि यहाँ आए हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया था और हमें और दूसरी जगह भी जाना था, बट उस जगह का मैं अभी नहीं बताऊँगी, इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी उसका। तो आप लोगों भी यहाँ का विज़िट कीजिए, आई एम श्योर आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत खूबसूरत, बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है यहाँ का, और रात का व्यू भी बहुत अच्छा है इसका, दिन का व्यू भी बहुत अच्छा है, तो दोनों व्यू आप इसके इंजॉय कर सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ कैफ़े हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बच्चों के लिए राइड्स हैं, बड़ों के लिए भी हैं बोटिंग वगैरह, और ट्रेन जो मैंने आपको बताई थी बट हम उसमें नहीं बैठ सके, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह उसका विज़िट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नेक्स्ट व्लॉग में करवाएंगे। तो जनाब, अब हमारे जाने का टाइम हो गया था, आई होप आप लोगों को यहाँ का टूर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आप लोगों ने इंजॉय किया होगा, आई होप सो। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको ये विज़िट कैसा लगा, और मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम सबको अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।